नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के बारे में। दोस्तों, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आम बजट 2021-22 में लैंड मोनेटाइजेशन के बारे में कुछ घोषणा की थी। उसी घोषणा के क्रम में भारत सरकार ने 9 मार्च 2022 को नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन नामक एक कंपनी का गठन कर दिया है और लैंड मोनेटाइजेशन के दिशा में भारत सरकार का ये एक बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है। दोस्तों, मैं इस NLMC या नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के संबंध में 6 बिंदुओं में इस वीडियो में बात करूँगा। पहला बिंदु है कि NLMC क्या है, दूसरा NLMC का गठन किस रूप में हुआ है, NLMC क्या कार्य करेगा, NLMC या नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के गठन का उपयोग क्या है और आगामी वर्षों के लिए इसका लक्ष्य क्या है, और अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस विभाग के पास वर्तमान तक NLMC को देने के लिए कितनी भूमि के आंकड़े उपलब्ध हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले मैं बताता हूँ कि मोनेटाइजेशन या लैंड मोनेटाइजेशन का अर्थ क्या है। दोस्तों, मोनेटाइजेशन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मुद्रीकरण, अर्थात किसी भी नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम को रेवेन्यू जनरेट करने योग्य बनाना तथा उसके पश्चात उससे रेवेन्यू जनरेट करने की प्रक्रिया करना, अर्थात उससे रेवेन्यू जनरेट करना, ये इस मोनेटाइजेशन शब्द का अर्थ है। और ये जो NLMC कॉरपोरेशन का गठन भारत सरकार ने किया है, ये लैंड के मोनेटाइजेशन के संबंध में प्रयोग किया जाएगा, अर्थात उस अनुपयोगी लैंड या बिल्डिंग्स को मोनेटाइज करने का काम ये कॉरपोरेशन करेगा, जो भारत सरकार के वर्तमान में या तो वो बेकार पड़ी हुई जमीनें या बिल्डिंग्स हैं, या उनका उपयोग पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, या वो अनुपयोगी जमीनें या बिल्डिंग्स हैं, उनको मोनेटाइज करने के लिए इस कॉरपोरेशन का गठन भारत सरकार ने किया है। अब बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की कि इस कॉरपोरेशन का गठन कैसे हुआ है। दोस्तों, NLMC का गठन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के नाम से एक भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में हुआ है और इनिशियली इसकी जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो 5,000 करोड़ रुपए रखी गई है तथा जो पेडअप कैपिटल है वो 150 करोड़ रुपए रखी गई है। दोस्तों, NLMC के गठन के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति होगी। बोर्ड में केंद्रीय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ प्रोफेशनल्स भी शामिल किए जाएंगे तथा बोर्ड के चेयरमैन की जो नियुक्ति है वो एक चयन प्रक्रिया के अंतर्गत की जाएगी। अब बात करते हैं अगले बिंदु पर कि ये NLMC क्या कार्य करेगा। दोस्तों, NLMC वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत स्थित एक निगम है जो एक पूर्ण स्वामित्व एजेंसी के रूप में भारत सरकार के लिए लैंड मोनेटाइजेशन का काम करेगी और केंद्र सरकार को सहायता तथा तकनीकी सलाह प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात CPSE की उन भूमि और बिल्डिंग्स को जो अनुपयोगी हैं, बेकार पड़ी हैं या वर्तमान में उसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है, उनके मुद्रीकरण के संबंध में योजना बनाएगी। अर्थात NLMC सरकार की उन CPSEs की भूमि और बिल्डिंग्स के मोनेटाइजेशन में सरकार की मदद करेगी जिनको सरकार की अभी जरूरत नहीं है, ऐसी भूमि और बिल्डिंग्स के मुद्रीकरण में NLMC सरकार की मदद करेगी और उनको तकनीकी सलाह प्रदान करेगी। वर्तमान में CPSEs के पास बड़ी संख्या में ऐसे भवन तथा काफी मात्रा में ऐसी भूमि उपलब्ध है जिनका सरकार कोई उपयोग नहीं कर पा रही है, उनके आंकड़े इकट्ठा करना और उनके मुद्रीकरण की व्यवस्था करने का काम भी प्रमुख रूप से NLMC के द्वारा किया जाएगा। मुद्रीकरण के इस काम से सरकार के पास पर्याप्त राजस्व इकट्ठा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस मुद्रीकरण की क्रिया से इकट्ठे होने वाले धनराशि का उपयोग कैसे किया जाएगा। दोस्तों, मुद्रीकरण से इन जमीनों व भवनों से जो पैसा प्राप्त होगा उसका उपयोग उत्पादक कार्यों में किया जाएगा, इससे निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ेगा और नई आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था को
बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक तथा सामाजिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किए जाने में और वित्तीय संसाधन जुटाने में सरकार की मदद होगी। इसी तरह गैर प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण से उनके मूल्य को अनलॉक करने में भी सहायता मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं लक्ष्य की। पिछले वर्ष सितंबर में भारत सरकार ने लैंड मोनिटाइजेशन के लिए अगले 4 साल में 6,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा हुआ है और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने NLMC का गठन किया है। NLMC के गठन से इस लक्ष्य को पूरा करने का रास्ता साफ हो जाएगा तथा CPSE तथा अन्य सरकारी एजेंसी के भूमि तथा बेकार पड़ी भवनों के मुद्रीकरण का रास्ता NLMC के गठन से साफ हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि किसके पास कितनी भूमि उपलब्ध है NLMC को हस्तांतरित करने के लिए वर्तमान समय तक। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार CPSE ने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन अर्थात DIPAM को मुद्रीकरण के लिए करीब 3,400 एकड़ भूमि और गैर प्रमुख संपत्तियों के लिए निर्दिष्ट किया है। वर्तमान समय तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार रेलवे के पास 11.80 लाख एकड़ भूमि तथा भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पास 17.95 लाख एकड़ भूमि मुद्रीकरण के लिए उपलब्ध है। इसी तरह टेलीकॉम कंपनीज के पास तथा अन्य सरकारी विभागों के पास अनुपयोगी भूमि तथा भवन भी काफी संख्या में उपलब्ध हैं, जिनके आंकड़े जुटाना तथा विभिन्न CPSE से NLMC को भूमि किस तरह हस्तांतरित की जाएगी इसकी प्रक्रिया का निर्धारण करना, ये काम भी भविष्य में NLMC द्वारा किया जाएगा। NLMC के जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन हो जाएगा तो भविष्य में इस प्रक्रिया में कोई असुविधा आती है, कोई विधिक अड़चन आती है, इसकी जानकारी तभी प्राप्त हो पाएगी। वर्तमान समय तक NLMC के गठन की प्रक्रिया सिद्धांत रूप में पूरी हो गई है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के गठन की प्रक्रिया की जाएगी जिसमें प्रोफेशनल्स को और अन्य प्रमुख सरकारी अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने बात की नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के बारे में। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।